Hi everyone, hope you are doing great. My name is Mukesh Kumar Malik and you are watching My English Doctor Studio. In my previous video, I discussed with you the secrets of learning English or learning a language, my friends. आज के सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं, सीक्रेट हमने जाने लास्ट सेशन में, आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं लैंग्वेज को सीखने की तो एक्चुअली कहा यह जाता है कि लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं बट लैंग्वेज इज नॉट लर्न एक्चुअली इट इज एक्वायर्ड आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल सो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ लैंग्वेज एक्विजिशन दिस इज व्हाट लैंग्वेज एक्विजिशन पार्ट वन ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक इन ऑलमोस्ट टू और थ्री वीडियोज बिकॉज इट्स अ लेंथी टॉपिक And you need to understand this topic just to move ahead to be the part of the learning program, okay? So, let's begin with the video. Students, देखिए, जब हम किसी भाषा को सीख रहे होते हैं, तो आपको बताया गया last session में कि जब हम secret को discuss कर रहे थे, कि दो अहम part हैं language को acquire करने की, उसमें सबसे अहम role किसका है? That is what? Observation. अब आज किस सेशन में हम लैंग्वेज को जिसमें ऑब्जर्व कैसे करें क्या होता है ऑब्जर्वेशन ये जानने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड्स जैसे कि जब आप लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं बच्चा होता है तो उसके आजू बाजू एक माहौल होता है तो आप भी जहां भी होते हैं आप जिस भी स्टेज पे हैं जो भी आपका आपकी उम्र है तो आप वहां पे हैं और आपके आजू बाजू चाहे कोई पर्सन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज आपके साउंड में है हो रही होती है तो वहां पर आपको करना क्या होता है आप किसी पर्सन को देखते हैं अब वो पर्सन कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो होता क्या है आप पर्टिकुलरली उसको वॉच कर रहे हैं वो कुछ बोल रहा है तो उसको सुन रहे हैं ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सेम वे सपोज यू आर वॉचिंग टीवी आपके सामने टीवी है अब टीवी में जो है पिक्चर डिस्प्ले भी हो रही है वो जो है एक पर्टिकुलर लिसनिंग भी हो रहा होता है तो वहां पे वॉचिंग और लिसनिंग दोनों चल रहे होते हैं इस अवस्था में जब वॉचिंग और लिसनिंग करते हैं तो जब आप सुन रहे होते हो किसी को या किसी भी चीज को देख रहे होते हो तो होता क्या है आप जो है के अंदर प्रोसेस शुरू हो जाती है प्रोसेस दैट इज व्हाट ब्रेन प्रोसेस आपने कुछ देखा आपने कुछ सुना एंड देन आपका जो ब्रेन है वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है कुछ ना कुछ अपने विचार उस बारे में वो कहना शुरू करता है और जब बात करते हैं थिंकिंग की ब्रेन प्रोसेस की तो यहाँ पे दो तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो आइडिया को वो जो है फॉर्मेट आइडिया फॉर्मेशन कर रहा होता है चाहे तो वो जो उसने सुना या जो उसने देखा एज इट इज वो आइडिया को कॉपी कर लेता है दिस इज समथिंग ए काइंड ऑफ कॉपिंग द आइडिया दैट इज आल्सो नोन एज दैट इज इम्पोर्टिंग द आइडिया एक्चुअली सो इम्पोर्टेड आइडिया अगर आपके पास है जो कि आपने सुना एज इट इज आपने वो चीज आपके दिमाग में प्रोसेस करके निकाली तो वो एक अलग चीज है वो भी एक आइडिया है और अगर आपने कुछ सुना आपने कुछ देखा और आपने आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया आपने अपना साइकी यूज किया और आपका अपना खुद का एक आइडिया आपने वहां से जनरेट किया उस बात को सुनकर के या उस पर्टिकुलर चीज को देख करके तो आपने क्या किया आपने एक आइडिया को प्रोसेस किया है आपने सोचा है सो दिस पर्टिकुलर वॉचिंग एंड लिसनिंग लीड्स यू टू थिंकिंग जब किसी को देखते हो सुनते हो तो फिर आप सोचना शुरू कर देते हो ये नेचुरल वे चल रहा है कि लैंग्वेज को नेचुरली कैसे वर्क किया जाता है तो आप थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं आप सुनते हैं एक आइडिया आपके पास आता है दिस इज व्हाट आइडिया फॉर्मेशन तो जब आपने देखा आपने सुना तो आपने सोचा आपने विचार किया सोचा विचार किया तो आपके पास एक आइडिया आया एक पर्टिकुलर एक आइडिया का फॉर्मेशन हुआ अब जब ये आइडिया आया तो आप अपने अंदर जो विचार पैदा हुआ जो आइडिया आया उस चीज को लेकर के तो आप उस बात को कहना चाहेंगे उस आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहेंगे उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोबेबली हमारा ब्रेन क्या करेगा वो सिग्नल्स देगा इसको हमारे बॉडी पार्ट्स को अब बॉडी पार्ट्स में सिग्नल प्रोबेबली किसको देगा वो चाहे तो सिग्नल देगा हमारे टंग को हमारे वोकल कॉर्ड को या जितने भी दूसरे आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं इस पर पर्टिकुलर टॉपिक में जो है एक वीडियो शूट करने वाला हूँ आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स होते क्या है वहां पर पूरा समझेंगे हम तो ये हमारे ये सारे जो है माउथ ऑर्गन्स उस आइडिया को डिलीवर करने के लिए उनको सिग्नलाइज किया जाता है फिर उस आइडिया को जब हम डिलीवर करते हैं तो डिलीवरी में आपको कुछ क्या करना पड़ेगा आप चाहे तो अपनी बात बोल के अपने आइडिया को बोल के एक्सप्रेस करेंगे
आप या फिर उसको इशारों में एक्सप्रेस करने वाले हैं। इसका मतलब आपको क्या चाहिए होगा, जब डिलीवरी ऑफ आइडिया होगा, दैट वुड लीड टू द इंसेप्शन ऑफ ए लैंग्वेज। इनके अगर आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास कोई साइन या आपके पास कोई विशेष प्रकार का क्या बोलते हैं इसको, एक साइन लैंग्वेज की हम बात करते हैं या फिर एक शाब्दिक लैंग्वेज की हम बात करते हैं, तो वो चीज अगर आपके पास शब्द नहीं होंगे तो आप आइडिया को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स डिलीवरी ऑफ आइडिया लीड्स टू इंसेप्शन ऑफ ए लैंग्वेज। एक एक भाषा की जो जरूरत पड़ती है, एक भाषा का यहाँ पे जो उद्भव हो रहा होता है, भाषा की जरूरत पड़ रही होती है। अब जब लैंग्वेज आ रहा है, तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम अल्फाबेट्स, एक वर्ड माला जब कहते हैं तो वो हम पढ़ते हैं, उन अल्फाबेट्स से वर्ड्स बनते हैं, उस प्रकार से वर्ड्स को जो प्रॉपर एक सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं तो एक सेंटेंस का जन्म होता है, तो उस प्रकार से हम अपनी बात कहते हैं। तो जब हम शब्दों में हमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, तो जब लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो एटलीस्ट जो भी लैंग्वेज आपको सबसे, जिस लैंग्वेज के, जिस भाषा के सबसे ज्यादा शब्द आपके ब्रेन में स्टोर हैं, आप उसी भाषा के शब्दों में इस आइडिया को डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना शुरू कर रहे हैं जो ऑलरेडी जिसके शब्द, जिसकी शब्दावली आपके ब्रेन के अंदर है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज का जब फॉर्मेशन हो जाता है, कहाँ से शुरू होता है, ये पर्टिकुलर वॉचिंग और लिसनिंग से स्टार्ट होता है, और थिंकिंग के से जो गुजरते हुए, आइडिया फॉर्मेशन से गुजरते हुए, देन सिग्नलाइजेशन टू रिएक्ट है, और उसके बाद जो है डिलीवरी ऑफ आइडिया को वर्ड्स में डिलीवर करना पड़ता है। वो वर्ड्स एक लैंग्वेज होता है, और जब लैंग्वेज की बात की जाती है तो हम लैंग्वेज को प्रॉब्लम दो पार्ट्स में देखते हैं, एक होता वर्बल लैंग्वेज, एक होता नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब वर्बल लैंग्वेज वो थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, वर्बल लैंग्वेज वो दुनिया की हर भाषा जिसको लिखा जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, जैसे हमारी हिंदी है, इंग्लिश, हरियाणवी, पंजाबी, एनी ऑफ द लैंग्वेज जो भी है, तो वो रहती है। दूसरा रहता है नॉन वर्बल, अपनी बात को इंसान चाहे तो बोल के, लिख के वो कहता है, या फिर अपनी बात को वो इशारों में कहता है, वो जेस्चर्स का यूज करता है, वो साइंस का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड साइन लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज। वो अलग से एक टॉपिक होने वाला है, मैं एक वीडियो में पूरा वो कवर करूंगा आने वाले वीडियो में, और जो है आपको पूरा वहां पे समझाया जाएगा कि लैंग्वेज दो प्रकार की है, तो वो किस प्रकार से काम कर रही होती है, तो पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने लैंग्वेज एक्विजिशन में इंसेप्शन ऑफ लैंग्वेज तक आज हम पहुंचे हैं, एक लैंग्वेज की जरूरत हमें पड़ती है, और यस यहाँ तक आप इस चीज को समझे, तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब आप किसी चीज को देखते हो, किसी वस्तु को देखते हो, तो या आप उसको सुनते हो, तो प्रोबेबली आप पूरा जो उसको ध्यान लगा करके आपको सुनना चाहिए, और वहां पे फिर आपको एक आइडिया जो मिल रहा है, जो आपका ब्रेन प्रोसेस के तहत आपको एक आइडिया मिल रहा है, आपको उस आइडिया को एक जो है लैंग्वेज के तहत डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक आज मैं आपके साथ सामने शेयर करना था, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल मैं अपना एक ग्राउंड लैंग्वेज पे जाकर के या एक ग्राउंड लेवल पे जाकर के ये बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में इन चीजों को आज जरा ध्यान से जो है देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। यस, सेशन क्लोज करने से पहले मैं एक बूस्टर डोज की बात करने वाला हूँ, एक छोटी सी मैं एक फिलोसफी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, एंड दैट इज व्हाट एंट्स फिलोसफी। देखिए होता क्या है, हम सबने एंट्स को देखा है, सबने देखा एंट्स को, बहुत ही टाइनी क्रिएचर होता है, एंड दे आर जनरली कंसिडर्ड एज वेरी वाइज क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट, बड़े ही जो है ये बुद्धिमान जीव कहे जाते हैं इस जो है ग्रह पर। तो हम एंट्स फिलोसफी में बात कर रहा था, एंट्स करते क्या है, क्या कभी आपने एंट्स को सोते हुए देखा है? आई थिंक यू हैव नेवर सीन द एंट्स स्लीपिंग, दे जस्ट कीप ऑन वर्किंग थ्रू आउट द डे एंड नाइट, दे कीप ऑन डूइंग वर्किंग, दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। हम दिन भर में 2-4 घंटे 5 घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, रात को आराम करते हैं, लेकिन एंट्स कभी ऐसा नहीं करती, वो लगातार काम कर रही होती हैं, वो हार्ड वर्क को शो कर रही होती हैं। तो क्या हार्ड वर्क हमारी जिंदगी में है? हार्ड वर्क। सेकंड थिंग जो हम एंट्स से समझ सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं क्या, दैट इज देखिए जब चींटियां जा रही हैं, एंट्स चल रही होती है, आपने देखा वो हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं, वो प्रॉपरली एक क्यू में चल रही होती हैं। आप उनके सामने उनके रास्ते पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कभी भी वो इस अपने लक्ष्य से भटकती नहीं है। हो सकता है वो उस लक्ष्य को लांग ना पाए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसको लांग ना पाए वो, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ेंगी और प्रोबेबली वो आगे ही बढ़ेंगी, वो आगे बढ़ेंगी, दिशा बदल देंगी, लेकिन घूम फिर के जाएंगी अपने
अपने लक्ष्य की ओर, दैट इज व्हाट, कि वो कभी हार नहीं मानती, दे नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो दो बातें हम एंड्स फिलोसफी से समझ सकते हैं, ये सक्सेस का एक बड़ा राज है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अगर आप एंड्स फिलोसफी को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप वहां पर सफल होंगे ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। और हाँ, आप कमेंट सेशन में जाकर के कमेंट जरूर किया करो, और जो है कमेंट सेक्शन में अपने जो आपको लग रहा है कि यस आपने कुछ सीखा है तो वो भी लिखिए, आपने कुछ नहीं सीखा तो वो भी लिखिए, ताकि आपके लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।